शिमला के समर हिल एरिया में भीषण लैंडस्लाइड के बाद राहत बचाव कार्य तलाशी अभियान जारी, एनडीआरएफ एसडीआरएफ के साथ सेना और पैरामिलिट्री के जवान भी जुटे। लैंडस्लाइड के बाद 5 दिन से चल रहा रेस्क्यू ऑपरेशन, शिव मंदिर के मलबे में तलाशे जा रहे जिंदगी के निशान। लगातार हो रही भारी बारिश से मंडी में धंसी जमीन, प्रभावित इलाके में घरों में पड़ी दरार। मंडी में मकानों में ड्रोन दरार की तस्वीरें सामने आई हैं, सैकड़ों घर क्षतिग्रस्त हुए, कई परिवारों ने छोड़ा घर, सुरक्षित जगह की ओर पलायन। मूसलाधार बारिश के बाद देहरादून के कई इलाकों में भारी जल भराव, एसडीआरएफ के जवानों ने किया घर में फंसे लोगों का रेस्क्यू। भारी बारिश की वजह से योग नगरी ऋषिकेश हुई पानी पानी, सड़कें बनी दरिया, मनसा देवी कॉलोनी में जल भराव। ऋषिकेश में जगह जगह वाटर लॉकिंग से ट्रैफिक पे पड़ा असर, वाहन चालकों को जाम में घंटों जूझना पड़ा। तेज बारिश के बाद कोटद्वार के मालंग नदी में जबरदस्त तूफान, नदी की तेज धार में बहे 3 ट्रक और जेसीबी, कड़ी मशक्कत के बाद सैलाब में फंसे 5 लोगों का रेस्क्यू किया गया। भारी बारिश से जालंधर के शाहकोट गांव में सैलाब का मंजर, सतलुज का जलस्तर बढ़ने से कई गांव जलमग्न। पहाड़ों पर लगातार बारिश की वजह से फिर बढ़ा दिल्ली में यमुना का जलस्तर, यमुना से सटे इलाकों में मंडराया बाढ़ का खतरा। हिमाचल में युद्ध स्तर पर चलाया जा रहा रेस्क्यू ऑपरेशन, कांगड़ा में हेलीकॉप्टर की मदद से लोगों का किया गया रेस्क्यू। बीते 72 घंटों में 1,000 से ज्यादा नागरिकों को बचाया गया, इंदौरा और फतेहपुर में फंस गए थे लोग। हिमाचल के लोगों को अगले 1 हफ्ते बाढ़ बारिश से मिलेगी राहत, मौसम विभाग का अनुमान कमजोर रहेगा मानसून। हिमाचल प्रदेश में बारिश से भारी नुकसान का सीएम सुक्खू ने किया हवाई सर्वेक्षण, पहाड़ों से मलबा आने से रिहायशी इलाकों में हुआ भारी नुकसान। हिमाचल सरकार का अहम फैसला, विधायक निधि खर्च में किया गया बदलाव, आपदा प्रभावितों की मदद कर सकेंगे विधायक, घरों के आगे पैसे देंगे लोगों को। अयोध्या में सरयू नदी में बड़ा पानी, प्रशासन ने जारी की चेतावनी, लोगों को सतर्क रहने की सलाह। मुरादाबाद के सिकंदरपुर गांव में बाढ़ जैसे हालात, सड़कें डूबी, कई गांव का टूटा संपर्क, पुलिया पे भरा पानी। कानपुर में बड़ा गंगा नदी में पानी, कानपुर के निचले इलाकों में घुसा पानी, बड़ी लोगों की मुश्किलें। मेरठ के हस्तिनापुर खादर में बाढ़ से बड़ी मुसीबतें, राहत बचाव में जुटा प्रशासन, लोगों को सुरक्षित निकालने की कोशिश शुरू। सरयू नदी में पानी बढ़ने से बस्ती जिले के कई गांवों पर असर, बाढ़ प्रभावित इलाकों में पहुंची जिलाधिकारी प्रियंका निरंजन, पानी में घुसकर जाना पीड़ितों का हाल। यूपी के संभल में गंगा नदी का जलस्तर खतरे के निशान के पार, नरैरा बैराज डैम से पानी छोड़ने से बढ़ा खतरा, जिले के निचले गांव में घुसा पानी। पिथौरागढ़ में सड़क में रोड खोलने के दौरान जेसीबी के ऊपर गिरे पत्थर, खाई में गिरी जेसीबी, चालक ने भागकर बचाई जान। बिहार के सुपौल में कोसी नदी का घटा जलस्तर, नुकसान का आंकलन करने में जुटे अधिकारी, कोसी बराज से भारी मात्रा में पानी छोड़ने से खराब हुए हालात। कपूरथला में बाढ़ ने फिर से मचाई भीषण तबाही, एनडीआरएफ प्रशासन लगातार बचाव कार्य में जुटे। होशियारपुर में सीएम भगवंत मान ने नाव से प्रभावित इलाकों का दौरा किया, हर संभव मदद देने का भरोसा दिया।